28 नवंबर से 5 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। ये यज्ञ का आयोजन जन कल्याण, क्षेत्र कल्याण, ईष्ट मित्रों, परिवार के कल्याण के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अनीस अख्तर, आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज विकास खंड और आई के ग्राम अमा माफी में आयोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ होगा। मई 28 नवंबर से आयोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा एवं विशाल शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। वहीं 5 दिसंबर को पूर्णाहुति एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा कथा स्थल से आरंभ होकर गांव के माता मंदिर से वैदिक मंत्रोच्चार के बाद गांव का भ्रमण कर पुनः यज्ञ स्थल पहुंचेगी। कलश यात्रा के साथ साथ विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के पूजन के पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ इस कथा के प्रथम दिन का शुभारंभ किया जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के प्रवाचक आचार्य पंडित नरोत्तम शास्त्री जी, आचार्य पंडित लवकुश जी दैविज रहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नंदलाल पांडे, पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह यज्ञ का आयोजन जन कल्याण, क्षेत्र कल्याण, ईष्ट मित्रों, परिवार के कल्याण के लिए किया जा रहा है। तत्पश्चात 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक अखंड रामचरितमानस पाठ एवं पूर्णाहुति हवन किया जाएगा। 14 दिसंबर को महाप्रसाद व भंडारे का विशाल आयोजन किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भागवत पुराण का कथा प्रारंभ होने वाला है 28 नवंबर से। यह कथा 5 दिसंबर तक चलेगा। उसी के क्रम में हम आप लोगों को अपने बीच में बुला करके अपना संदेश देना चाहते हैं कि जनपद वासियों को, क्षेत्र वासियों को इसमें शरीक होने के लिए आपके विधा, आपके माध्यम से, आपके लेखनी के माध्यम से अपना संदेश देना चाहते हैं। और आप सबको भी आमंत्रित करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ही रहा कि आप भी अपने परिवार के अंग है या धार्मिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में शरीक होकर इसको मूर्त रूप देने की महती कृपा करें। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित। 28 नवंबर से लगातार चल के 5 दिसंबर को हवन होने के बाद भागवत महापुराण का कथा समाप्त होगा। उसके बाद 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक श्री रामचरितमानस का पाठ होकर के हवन होगा। और उसके बाद 14 दिसंबर को भंडारा होगा। हवन होने के बाद महाप्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 10,000 लोगों की। श्री वृंदावन धाम से पंडित आचार्य नरोत्तम शास्त्री जी आ रहे हैं। ये वृंदावन धाम से आ रहे हैं। ये भागवत के मर्मज्ञ हैं और ये विद्वत हैं। और इनकी एक ऐसी विधा है कथा कहने की, इनकी भाषा में शरीरकरण और उसके साथ साथ समझाने की जो विधा है, एक जो सामान्य तबके के लोग हैं, गांव में कथा हो रही है जिससे सारे लोगों को सरलता से लाभ हो सके, इसीलिए इनको यहां पर अवतरित करने कराने का। वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि कथा में अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों और कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने, अपने जीवन को कृतार्थ करें और महाभंडारे के दिन आकर के उसमें प्रसाद ग्रहण करें, जिससे भगवान की उपासना एवं हमारे समर्पण भावना का पूर्ण कद्र। हमारा पता नंदलाल पांडे, सनाब श्री मूल शंकर पांडे, ग्राम पंचायत अमुआ माफी, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही का मैं मूल निवासी हूँ। मैं अपने निवास स्थान पर इस कार्यक्रम को रखा हूँ। यह जन कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, इष्ट मित्रों के कल्याण के लिए यह कार्यक्रम रखा गया।